Neha, your gang is out of the running for partial immunity. Expected? No, not expected, but I'm not going down alone. The one who loses is going down with me. So I'm happy. Bhaichara to dikhaya. Bhaichari ke naam pe jeet bhi gaye. So I'm happy for them. This was a well thought out plan, which is why Neha, I'm being direct with you and asking you, are you disappointed in someone? I'm not. There's one gang in particular I'm hoping ki na jeete aaj, to be honest. And it'll be very wrong of me ki main wo gang ka naam loon. But main chahti hoon ki is act ke baad wo gang zarur haare. आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपकी टीम हार गई, हमारे बॉन्डिंग्स अच्छे, हमारे कनेक्शन अच्छे. तुम्हारी टीम के भी तो रन सर की गैंग के साथ अच्छे कनेक्शन है. आज टास्क में हमारी बॉन्डिंग, हमारे कनेक्शन दिख गए आपको. उस टाइम पे नेहा में हमने जो बोला, मुझे बहुत गलत लगा. किलन, मैं आपकी बात में ना, मेरे को समझ नहीं आ रही. आपने नेहा को तो कितनी बार पूछ लिया कि आप खुश हैं या जब कल मेरी टीम से मेंबर जा रहे थे, आप पिछले वोट आउट में गए थे, आपने ये क्वेश्चन मुझसे नहीं किया. क्यों मैं बोलूं कि ये इन दोनों की स्ट्रैटेजी थी? नहीं, जो गेम खेले उनको अच्छा लगा, उन्होंने भाई ने दो बार सेव किया गैंग को. मेरे गैंग को एक बार सेव किया तो वो घर से नहीं बनाकर आए. उनको लगा कि उनकी टीम के लिए वो बेटर उन्होंने किया. जो हमारी टीम को लगा कि आज अभी इस टास्क में हमारे लिए बेटर है, हम वो करेंगे ना. नहीं नहीं, हमारी टीम के लिए बहुत बेटर था अगर हम वरुण को शुरू में भेज देते. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ. आपने बचाया कल भी, आपने गैंग को कल भी बचाया, उसके पीछे बचाया, तो कोई आपको बचाया? उसने नहीं बचाया, मेरे बचाया मैंने तो चिरंजीव को बचाया. तो उनके गैंग ने बचाया आपके गैंग को? अलायंस ठीक है यार, आपके गैंग को बचाया, अलायंस बनाया है ना. तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये इस गेम का पार्ट है. जब तक कोई वीक नहीं होगा तब तक बैलेंस है. ये इससे वीक क्या होगा भाई, तीन जाने हैं. इट्स नॉट आवर फॉल्ट. प्रिंस, कल तूने ही तो बोला था कि हम तीन जन इन बाकियों को लेट हो गए. तो वीक क्यों बोल रहे हैं? हम कौन सा कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं? बट ये हमारी स्ट्रेटजी थी तो ठीक है, स्ट्रेटजी थी. मैं बस बोल रही हूँ, 12 घंटे पहले तूने बोला था कि तू स्ट्रांग है. उस वक्त आपने आपने क्या यहाँ पर कोशिश नहीं की बोलने की? मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने कोशिश की है. हमने किया और हम तो हमसे ज्यादा हमारे गैंग को बता रहा हूँ, गैंग ने मानी आपस की बात. तो मैं वही बोल रही हूँ प्रिंस, मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ. मैंने बोला कि तुम लोग मिले हो यार, वो ऑब्वियस है. I think I also feel कि गैंग ने ये डिसीजन शायद अलायंस की वजह से ना लिया हो, शायद डर की वजह से लिया हो कि आगे जाके मंदीप अगर मिल जाता तो ऑब्वियसली वो हार जाते. सो गुड गुड गुड, वेल डन गाइस, इट्स अ गुड प्लान. नेहा, दिल खुश कर रही है सबका, करने दो. अपने गैंग को आप थोड़ा सा आप करो, वही सही है. ठीक है प्रिंस, जो तू बोले यार. तू तो रोडीज भी जीत चुका है, स्प्लिट्स भी अब ये जीत चुका है ना. अभी मैं बोलता हूं, मैं ऐसी सब स्ट्रेटजी ऐसी काम नहीं कर रहा कि मुझे खुद याद नहीं. मेरे को इस बात की खुशी है जो आज तक मैंने किया, लोगों ने देखा तो है. What do you mean कि तूने जो काम किया सबने देखा है? What does that mean? अगर कोई एक बंदा पिछले सीजन में और इस सीजन में मिलाकर बोल रहा है कि तुमने ये शो जीते हैं, ऑडिशन में ये कह रहे हो, हाँ भाई जीते हैं, क्या इसमें गलती है? तो मैंने ये बोला कि एटलीस्ट मैंने जो किया है वो लोगों ने देखा है और लोगों ने अप्रिशिएट किया है, इसलिए मैं हूँ. पर जो तू इंसिनुएट कर रहा है वो मत. तू है यहाँ पे प्रिंस. मैंने आपको मना नहीं किया नेहा, तो पर आप ये बार बार नहीं बोल सकते कि तुमने ये शो किया, तुमने ये शो. मैंने किया है भाई. नो, आपने ऑडिशन में बोला, लास्ट ईयर भी बोला, मैं बार बार सुन रहा हूँ. कई बार कुछ चीजें आपको बुरी लगती है और मुझे बुरी लगती है, तो ये सेम है. अगर आप वो बोलना बंद करोगे शायद मैं भी नहीं बोलूंगा. मैंने जब तक रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, अगर उससे पार रहेगा तो मेरी भी हदें हैं जो क्रॉस होंगी, और मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ. I think I can maintain my respect by not indulging in conversations with him right now. Final vote. Rasir, आपके खिलाफ. मैं ये रोडी को वोट आउट करना चाहती हूँ. एक तो ये स्ट्रांग है
और दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. Four votes for you and four votes for Rahul. आज बसीर और राहुल आप दोनों वोट आउट हो जाते हैं. Join me. He probably voted for himself. I didn't vote myself. Why? Why? How has he got four? Because I'm sure that he can't get four votes. Why, Khushnuma? How has this happened? I actually thought, जब मैं वहाँ पे गई थी, मैंने सोचा कि that four of us will vote for him. But sir, that's why I कुछ और decide हुआ था. Why? She got confused. That's why I didn't. And even Samar didn't. Every time we decide and I don't know what happens, vote out के time क्या हो जाता है यार? कैसे कोई confuse हो सकता है? It's all right, Meena. You'll win this for me. But you were not supposed to go. You'll win this for me and Prince Bhai. Khushnuma, you said Virupal abhi. I said ke basi nahi hoga, isliye char vote udhar jaate to wo nikal jaati, ye planning thi. Prince, 4 se 3, 3 se 2, 2 se sirf 1. This is shocking. Something has gone wrong with the calculations, I guess. Prince, कुछ नहीं कहेंगे. Worst day to fight with him also. I'm so sorry, bro. I'm really sorry. I'm really sorry. मैं तो पूरा सील लेके जाना था. मैं सीगरेट खेल रहा था. उस सीगरेट में खेल रहा था. बसीर, कुछ कहना चाहेंगे? रोडीज राइजिंग की जर्नी जब मेरी शुरू हुई थी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतनी आगे आऊँगा, मैं सर्वाइव कर जाऊँगा. मैं ये शो पे सिर्फ रणविजय सर के लिए आया था. मैं नहीं सोचा था कि मुझे आई डेंट थिंक कि मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाऊँगा. रन सर के लिए जितनी एक्सपेक्टेशन लेके आया था, प्रिंस भाई हैज़ अ टोटल डिफरेंट साइड. I never ever thought that he would be the kind of a person he is. Jab TV pe dekhta tha Prince Bhai ko, I used to think bahut aggressive hai yaar, bahut gussa karte hain as a gang leader, but I could not have made a better choice than Prince Bhai. I love you Prince Bhai. Ranveer sir, aap mere role model ho. Not one day has passed jahan par Ran sir ne mujhe comfort nahi kiya. Any day I was upset. He came to me, jokes crack karna, masti karna, motivate karna, giving me life lessons about small, small things, details. I love you, sir. Jo bhi hai, I mean, you mean a lot to me. Sam is a very, very brave soul. You'll always be my friend. We'll always stick together. You're a 100 crore actress, but please don't forget me. Samyukta, is there anything you'd like to say to Basir? I really didn't expect him to go today. Though we keep fighting, we fight every single day. Camp mein aisa kabhi ek din bhi nahi gaya jab humne ladai nahi ki. Har din ladte. Sometimes I complain about him to people and I'm sorry about that. I'm sorry. I have to keep babysitting. This is why we want to shut up. Get out. Get out. In the end, Meenal. Why are you going? Win this show for me. Win this show for that man. I still can't understand why it's happening with a gang. Luck. In Alwar, luck bolo, bevkoofi bolo hamari ya sach mein kismat. Humne itne acche performance kiye saath mein.
और फिर भी why still have that question. मतलब आंसू सूख गए, हर सिटी में कोई कोई ना कोई जा रहा है एंड दिस तो आई कांट. बसीर, राहुल, थैंक यू सो वेरी मच. जनरली मैं कहती हूँ कि आपकी रोडीज राइजिंग की जर्नी आज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आज मैं कहूंगी कि आप दोनों के तकदीर का फैसला होगा पटियाला में. ये अभी भी वोटेड आउट कंटेस्टेंट्स हैं, सो ऑल आई कैन से इज द वॉर इज ऑन. He too was the host in Pune. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. तो करण को हम लोग अभी परसों जब हम लोग बाइक राइड के लिए गए थे तो निखिल, नेहा और मैं उस बाइक राइड पे गए थे रोड सेफ्टी के लिए. He had organized it. अपने बारे में एक बारी रफ्तार और प्रिंस को एक बता दो, आप कौन हो, क्या करते हो? मेरा नाम करण कपूर है, बॉर्न एंड रेज्ड इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई. अभी पूना में 10 साल से हूँ. एंकरिंग करने का बहुत शौक है, स्टेज पर रहने का बहुत शौक है. जब हजारों की तादाद में लोग मुझे देखते हैं, मेरी आवाज़ सुनते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी आवाज़ को पहचानते हैं मेरी शक्ल से ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है. वो आप इतने फेमस हैं, आपने बोला कि आपके साथ आपकी आवाज़ को जानते हैं. जी हाँ. तो इतना सब कुछ काम भी आपके पास, सब कुछ छोड़कर रोडीज रेवोल्यूशन में क्यों आना चाहते हो आप? सर मेरा एक छोटा सा मिशन है जो मैं कर रहा हूँ. वैसे सब बोलते हैं कि दुनिया बदलनी है, ये करना है, वो करना है, मुझे कुछ बदलना नहीं है, जो बदलना है मुझे. ये बहुत शाना है व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग, इसने हमारा पूरा स्टेज संभाल रखा है. जैकेट उतार दे, जैकेट उतार दे. लेट्स डू समथिंग फन. प्रिंस आना. प्रिंस वो दो डब्बे ले, उसके ऊपर रख दे. खड़े होना बीच में और हाथ आगे कर साइड में. साइड में नो, इट्स कैक्टस. कैक्टस, इट्स अ कैक्टस. अभी इसको रोडीज की फील देनी जरूरी है. दो ईंटे पकड़ा दे. अब बाकी बातें करते रहो. या बताओ आप क्यों आना चाहते हो? सर एक छोटा सा मिशन है. सब बोलते हैं कि यू नो रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को बचाओ. मैं बोलता हूँ लड़कियों को मत बचाओ, लड़कियों को एम्पावर कर दो. एम्पावर देम, स्ट्रेंथन देम, गिव देम दैट काइंड ऑफ एबिलिटी दैट दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और उनको किसी और चीज़ सहारे की जरूरत ना पड़े. कॉल्ड एज द नीचे गया तो कैक्टस पे. अरे तेरी हीरोइक मोमेंट कौन सी है लाइफ की? हीरोइक मोमेंट सर बहुत सारी रही है. बहुत सारी हीरोइक मोमेंट्स. I've never heard anybody say that. नहीं नहीं पकड़ यार, ये टास्क चल रहा तेरा. हीरोइक मोमेंट ये था सर, एक अंडरडॉग था, पढ़ाई कभी करता नहीं था, कॉलेज में गया था. कॉलेज में जब गया, सॉरी भाई, ये थोड़ी अगली बात करते हैं उसके अगले टास्क के साथ. हाँ प्लीज, वो नहीं कर पा रहा. अब इसको ना ऐसे पकड़े रखिए, ठीक है? यहाँ पे फेस के नीचे, और ये नीचे नहीं आना चाहिए. सीधा और सीधा. यार ये सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसका जवाब आपने लिखा है. सवाल ये है, हैव यू एवर हिट एनीवन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर? या. इफ यस, एलैबोरेट. बताइए क्या हुआ था? सर जब कॉलेज में था, रियली लाइक द फीमेल. मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया. तो व्हेन आई लव्ड अ गर्ल आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी. जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में पांच और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, आई फाउंड आउट. सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया. इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन. मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था. मैं कुछ और भी कर सकता था. क्या कर सकता था और भी? उसको शायद अब्यूज कर सकता था. उसके घर पे ले जाता उसको और बोलता कि भाई ये क्या कर रही है तू, तेरे घर वालों को पता चले. मतलब यू कुड हैव डिस्ट्रॉयड हर रेपुटेशन
बट यू ओनली हिट हर। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऑफ कोर्स। या नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। और क्या करता तू आगे जाके, क्या करता उसके साथ? मैं कुछ भी नहीं करता। अभी तो बोला है ना, अभी तूने बोला है कि नहीं बोला है? मैंने उसको एक चाटा मारा। That was an impulsive... और भी बहुत कुछ कर सकता था। नहीं मतलब पॉजिटिवली कर सकता, चाटा नहीं मारता, कुछ और कर देता। किया क्यों नहीं पॉजिटिवली? पर तूने बोला मैं उसको अब्यूज कर सकता था, उसको घर लेके जाता, तूने नहीं बोला कि पॉजिटिव करता कुछ मैं? सर तूने एक बार नहीं लिया कि पॉजिटिव करता मैं? He asked you, both of them asked you. You answered it like that. करण एक बात तो समझ ले, ये इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ठीक है? Yes, sir. करण सर, I'll tell you why. I'll tell you why. दो साल के बाद सर उसका कॉल आया। Shut up. You said मैं उससे प्यार करता था और मैं सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता था, लॉयल्टी। Who the f you to expect anything, anyone? Who the f are you to expect loyalty even from your own pet dog? Are you? Sir, if I am showing loyalty, if I am. Let's say I'm angry and I expect you to be angry with me. Be angry with me. Sir, I expect you to be a mirror reflection of me. Be it. Sir, agar maine be a mirror reflection of me. Agar aapne galti ki hai. So usne confess khud kiya. Kya confess kiya? Because she was with me because I was famous in college. To? बस तो क्या गलती है? उसको फैशन वॉक करना था, उसको रैंप पे आना था, इसलिए उसने ये सब फालतू की मेरे साथ किया। तो पता है तूने क्यों मारा? पता है तूने क्यों मारा? Because your ego shrunk to this big. Correct. That's why. I know. You know why? Because you're an insecure. ऊपर कर इसे। और सर 2 साल के बाद फोन करके मुझे बोलती है थैंक यू फॉर स्लैपिंग मी। अगर वो सुन रही है तो शी वुड बी फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट दिस कि 2 साल के बाद सर उसका फोन आया और उसने बोला दैट स्लैप चेंज्ड हर लाइफ, टुडे पीपल लुक एट हर विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और लोग उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए। 2 साल बाद जब उसका फोन आया था, यू फेल्ट वेरी प्राउड अबाउट इट, जो निखिल बोल रहे ना बिल्कुल ठीक है। इट्स नॉट यू, इट्स योर ईगो। I'm going to make sure that at least women stay away from you. Pata nahi tere ko kab kahan chot lag jaye tere dil ya dimag pe, tu thappad maar dega unko. And you've also hit your father. What? No, I pushed him. Mujhe maar rahe the mere dad. Mom ko aisa laga ki abhi aur nahi marna chahiye. To mom beech mein aa gayi. To mom jab beech mein aa gayi, papa ne mummy ko dhakka de diya. जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने खड़ा हो गया, मैंने पापा को धक्का दे दिया। और उसके बाद एक हफ्ता कम से कम मैं रोज पापा के पांव दबा के उनके बाजू में खड़े रह के उनके पांव दबा के उनको सॉरी बोलता था एवरी डे। अपने फादर को धक्का मारा? यस yes. उसके बाद एक हफ्ता सॉरी बोला? यस yes, मैम। उस वक्त तुझे ठीक लगा तूने किया, तो फिर एक हफ्ता सॉरी क्यों बोला? अगर तूने उस वक्त He pushes your mom because she's trying to save you. उसके बाद तू पैर दबा के सॉरी भी बोलेगा? फिर उसको सॉरी बोला, जैसे मैंने अपने डैड को सॉरी बोला एक हफ्ते के लिए, उस लड़की को सॉरी बोला? उसके बाद उसको मैंने 2 दिन के बाद फोन करके सॉरी जरूर बोला था। 2 साल बाद? 2 साल सुनाई नहीं दे रहा, बोल रही हूँ 15 मिनट से, बाल्टी उठा। Disrespecting me also, सुनाई दे रहा है तेरे को? Overlap में मैं बोली जा रही हूँ, बाल्टी उठा, सुनाई दे रहा है? Very sorry ma'am, sorry to you. करण, जो प्रिंस ने पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। पापा को आपने एक हफ्ते के लिए सॉरी बोला, जिस लड़की को आपने थप्पड़ मारा था उसको क्या बोला? सर उसको 2 दिन के बाद मैंने सॉरी बोला, उसको मिला मैं एक बार और उसको बोला सॉरी जो मैंने किया उसके लिए सॉरी, बट आई डोंट मीन दैट ऑनेस्टली, क्योंकि जो तूने किया वो भी गलत है। पहले बोल रहा था मैं उसको मिला नहीं, वो लड़की ने 2 साल बाद मुझे फोन किया। बात बोला है
अभी तूने बोला उसके बाद में उस लड़के को मिला नहीं, उसने दो साल कभी नहीं मिला फोन किया और सॉरी बोला। अभी तू बोल रहा कि दो दिन के बाद में उसको मिला और सॉरी बोला। उस टाइम की बात है सर, दो दिन के बाद उसको मिल के मैंने सॉरी बोला। एक ही बार मिला उसको, मैंने सॉरी बोला कि जो मैंने किया। रख 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 एक मिनट, तेरे लिए कोई काउंटडाउन नहीं है, चल यार निकल। इधर आ, आई हैव समथिंग फॉर यू। चल निकल, ये ले अपना फॉर्म और निकल। चलो, कोई काउंटडाउन भी नहीं तेरे लिए। सर थैंक यू, जवान से इंसान बन चुका हूं मैं। अच्छा बन गया यार, अगली बार आई और अच्छा बन। यू रिग्रेट व्हाट यू हैव डन नाउ, राइट? ऑफ कोर्स, एज ऑफ नाउ बिकॉज़ ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, यस, दिस इज नॉट द वाइब टू सेलेक्ट। ठीक है, इट्स गॉन अ वेरी रॉन्ग वे एंड आई होप यू हैव चेंज्ड। ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा, और होता है यार, गलतियां लोगों से होती है, वो रिग्रेट करे, इट्स गुड, सीख सकता है बंदा, दिमाग बदल सकता है कुछ टाइम के बाद। जा पर उस लड़की को सॉरी बोलियो जितनी बार मैंने डैड को बोला था, उससे बोल सकता तीन टाइम्स ज्यादा बोल सकता हूँ, इजीली बोल सकता हूँ। शी विल फील गुड, शी विल फील गुड। हमें आके प्रूफ दो साल के बाद अगर उसको अकल आ गई है और वो कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रही है। दो साल के बाद देखो, पता है, अंडरस्टैंड दिस, यस सर, पीपल डू मिस्टेक्स एंड सम पीपल चेंज, यस। प्रॉब्लम बताऊं किस बात से, यू आर प्राउड ऑफ इट करण, यस मैम। वर्क हार्ड, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाई वी ऑल हैव रिएक्टेड लाइक दिस। यू आर अ स्मार्ट गाय, तेरे को समझ आ जाएगी। ओके, यस, बेस्ट लक।